हेलो फ्रेंड्स, आज एक्सीडेंट के बारे में जानेंगे। इससे पहले थोड़ी सी हम चर्चा करेंगे। हमने इससे पहले भी टॉपिक पढ़े, जैसे कि एवरेज की थ्योरी हो गई। इसके बाद हम हायरार्की ऑफ हजार्ड कंट्रोल पढ़ेंगे। एक्सीडेंट की परिभाषा क्या है, और देखो ये सारे ना इंटरव्यू क्वेश्चंस हैं, और इनके बिना इंटरव्यू को क्वालिफाई करना संभव नहीं है। तो इनको बहुत ध्यान से सुने, और आप लोग चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं तो उसको कर दीजिए। व्यूज आ रहे हैं लेकिन लाइक सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो तो ये गलत है। अगर आपको अच्छा लगे तो करिए, नहीं लगे तो कोई बात नहीं। एक्सीडेंट के बारे में जानिए। एक्सीडेंट क्या है? एन अनप्लीजेंट इवेंट दैट हैपेंस अनएक्सपेक्टेडली एंड कॉज डैमेज इंजरी और हर्ट। यानी ये कैसा होता है? अनडिजायर्ड होता है, अनएक्सपेक्टेडली होता है, और अनप्लीजेंट इवेंट होता है जो क्या होता है, डैमेज करता है, इंजरी और डेथ। यानी एक्सीडेंट सिर्फ वो नहीं है जो हमको चोट पहुंचाए, अगर कुछ प्रॉपर्टी डैमेज भी है तो वो भी एक एक्सीडेंट है, कोई डेथ या इंजरी। यानी एक अनप्लीजेंट इवेंट है जो कि घटित होता है अनएक्सपेक्टेडली, और कॉज क्या, उसका कारण क्या होता है, डैमेज इंजरी और डेथ। यानी वो अनप्लीजेंट इवेंट जो अनएक्सपेक्टेडली हो, अनडिजायर्ड हो, हम चाहते नहीं, हमें पता नहीं है कब होगा, कैसे होगा, क्यों होगा, कुछ नहीं पता, और अनप्लीजेंट हो, यानी हमको क्या करे, दुख दे, हमको दर्द दे वो हमारा, और उसका कॉज क्या हो, डैमेज इंजरी और डेथ हो, तो इस घटना को हम क्या कहते हैं, इस इवेंट को हम क्या कहते हैं, एक्सीडेंट। क्या कहते हैं? एक्सीडेंट कहते हैं। अब टाइप ऑफ एक्सीडेंट के बारे में पढ़ते हैं। देखिए एक्सीडेंट को हम पढ़ क्यों रहे हैं, एक्सीडेंट को क्या कारण है भाई, एक्सीडेंट को रिड्यूस करना होता है, एक्सीडेंट फ्री आर्ट देना होता है, तो हमें बीमारी को बताने के लिए, यानी बीमारी का दवाई देना के लिए हमें बीमारी के बारे में भी पता होना चाहिए। तो सबसे पहले मैं चार टाइप को डिस्क्लोज करूंगा, उसके बाद इनको एक्सप्लेन करूंगा। ये जो होता है, कई जगह लोग कहते हैं कि ये है, कुछ कहते हैं ये, देखो ये होता है आपकी जो इंजरी होती है, आपकी जो चोट होती है उसके आधार पे, ये भी वही है। तो इनको चार भागों में बांटा गया, माइनर, मॉडरेट, मेजर और डिजास्टर। माइनर का मतलब क्या होता है, जिसमें हल्की फुल्की चोट लगे, इसमें नियर मिस आता है, ठीक है, फर्स्ट एड आता है। मॉडरेट क्या होता है, जिसमें इससे ज़्यादा चोट लगे, जैसे कि थोड़ा और ज़्यादा समय खराब हो, थोड़ी चोट और बढ़ जाए। मेजर क्या होता है, जिसमें थोड़ा सीरियस इंजरी, और डिजास्टर क्या होता है, जिसमें कई लोग यानी इन्वॉल्व हो जाएं, जिसमें एक से ज़्यादा लोग इन्वॉल्व हो जाएं, एक ग्रुप इन्वॉल्व हो जाए, वो क्या कहलाता है, हमारा डिजास्टर कहलाता है। तो माइनर, मॉडरेट, मेजर और डिजास्टर, अब देखो इनको समझना है ना, तो इन कॉन्सेप्ट को आप समझ लो, ये समझ लिए तो सब समझ जाओगे। देखो जैसे क्या होता है, पहला ये छः प्रकार के एक्सीडेंट है। एक्सीडेंट के टाइप कितने हैं, छः, मेनली चार। अब पहला एफ ए, यानी फर्स्ट एड एक्सीडेंट, नॉन लॉस्ट टाइम एक्सीडेंट, लॉस्ट टाइम एक्सीडेंट, सीरियस एक्सीडेंट, फैटल इंजरी और नियर मिस। यानी पहला हमारा क्या है, फर्स्ट एड। देखो अब मैं इसको थोड़ा सा ना कहानी बनाता हूँ, आप कभी भूलोगे नहीं। कैसे कहानी बनाता हूँ, सपोज करो आप सभी लोग 18 प्लस ही हो गए, सब सेफ्टी का कोर्स कर रहे हो, ट्वेल्थ करके आए होंगे, आप कहीं सिगरेट पी रहे हैं या आप कुछ ड्रिंक कर रहे थे कहीं पर, और आपके पिताजी ने आपको देख लिया, ठीक है, किसने देख लिया, फादर ने देख लिया। अब उन्होंने क्या किया, आपको वहीं पे निकाला, जूता दो मारे, अब आपको कुछ समय के लिए चक्कर आ गया, आपको क्या किया, वहीं पे हल्का सा लिटा दिया गया, फिर आप आधे घंटे बाद ठीक हुए और फिर से सुट्टा मारना शुरू। यानी आपकी काम करने की कैपेसिटी क्या हुई, आफ्टर फर्स्ट एड, यानी आपको हल्का सा फर्स्ट एड दिया गया और आप उसके बाद में वही काम करने की क्षमता आप में फिर से आ गई, तो वो हमारा कैसा एक्सीडेंट होता है, फर्स्ट एड। यानी किसी भी वर्कर को जो इंजरी हो और आप उसको फर्स्ट एड में वॉक्स के द्वारा या फर्स्ट एड में सिर्फ फर्स्ट एड ही देकर उसकी काम करने की क्षमता वापस आ जाए और वो काम पुनः करना शुरू कर दे, वो क्या कहलाता है, हमारा फर्स्ट एड एक्सीडेंट कहलाता है। दूसरा नॉन लॉस्ट टाइम एक्सीडेंट, भाई अब क्या होगा, आप फिर पी रहे थे ना तो पिताजी फिर देख लिए, या पिताजी अब दूसरी बार देख लिए, उन्होंने कहा ये मानेगा नहीं, अब इसको ज़्यादा पीना पड़ेगा। अब उन्होंने क्या किया, वो थे आर्मी मैन, थोड़ा बॉक्सिंग वॉक्सिंग भी जानते थे, उन्होंने क्या किया, आपके मुंह पर भी मुक्का मार दिया, नाक बात को भी मार दिया, यानी उन्होंने इतनी जोर मारा कि आप जो है, आपका
सर चकरा गया, आपका सर फट गया या आपकी नोज से ब्लड आने लगा और आपको अपने काम करने की क्षमता को फिर से और एक टाइम पीरियड जिसको हम कहते हैं 48 घंटे लगभग आपको 2 दिन सही होने में लगे। कितने दिन सही होने में लगे? 2 दिन सही होने में लगे। तो इस प्रकार का एक्सीडेंट क्या कहलाता है? नॉन लॉस्ट टाइम एक्सीडेंट कहलाता है। नॉन लॉस्ट टाइम एक्सीडेंट के बाद हमारा तीसरा आता है लॉस्ट टाइम एक्सीडेंट। क्या आता है? लॉस्ट टाइम एक्सीडेंट। अब तीसरी बार भी आपको देखा, अब तो मानने वाले हो नहीं, तो तीसरी बार जब उन्होंने देखा तब उन्होंने कहा अभी और मानेगा नहीं, अब वो बैट निकाल के लेके आए और बैट निकाल के लेने के बाद में क्या किया उन्होंने, आपको मारते मारते सुझा दिया और उस सूजन को जाने में, उस दर्द को जाने में कम से कम कितना समय लगा? 48 घंटे से ज़्यादा लगे, मोर देन 48 आवर। यानी जब हमको 48 घंटे से ज़्यादा का समय अपनी काम करने की क्षमता को वापस लाने में लगता है तो वो हमारा क्या कहलाता है? नॉन लॉस्ट टाइम एक्सीडेंट कहलाता है। चौथा आता है सीरियस। सीरियस इंजरी क्या होती है? अब आप ड्रिंक करके घर आने लगे और घर में बवाल मचाने लगे, अब आपका पूरा परिवार दुखी है, आपके पूरे परिवार ने आपको मिलकर पीटा और इतना पीटा कि आपके हाथ में पैर तोड़ जाते। अब आपका हाथ या पैर ठीक होने में 1 महीने से कम लगेगा क्या? नहीं, तो 1 महीने से ज़्यादा ही लगेगा। भाई प्लास्टर लगेगा तब भी 1 महीने से ज़्यादा हमें कटेगा। यानी आपकी काम करने की क्षमता क्या होगी? 21 दिन से ज़्यादा के बाद आपके अंदर काम करने की क्षमता आएगी। यानी जब वर्कर को कोई इंजरी हो और उसकी काम करने की क्षमता को वापस आने में कम से कम कितना दिन लगे? 21 दिन लगे, तो वो क्या कहलाता है? हमारा सीरियस इंजरी कहलाता है। इसमें आपकी एक डिसेबिलिटी होती है जिसको हम टेम्परेरी डिसेबिलिटी भी कहते हैं। वो कौन से एक्सीडेंट में होती है? सीरियस में होती है। यानी वो किस में होती है? मेजर में होती है। इससे पहले दोनों अभी क्या चल रहे थे? मॉडरेट। अब हमारा क्या आया? मेजर। अब देखो क्या होता है, ये दोनों मेजर नहीं रहते हैं। अब हमारा आता है फैटल इंजरी। फैटल इंजरी क्या होता है भाई? अब क्या हुआ, कुछ लोग आपने देखा होगा ना कि बहुत परेशान हो जाते हैं आपकी दारू से, आपके सिगरेट से, आपकी गलत आदतों से। भाई एक्सीडेंट होता है किनकी वजह से? गलत आदतों की वजह से ना। तो मैं गलत आदतों का उदाहरण दे रहा हूँ। तो गलत आदत की वजह से, बैड हैबिट की वजह से, रॉन्ग एनवायरमेंट की वजह से क्या हुआ, आप ड्रिंक और करने लगे, घर में मारने लगे, घर में खाने को पैसा नहीं है, गलत काम करने लगे। अगर मैं इंडस्ट्री का उदाहरण दूँ, यानी आपकी गतिविधियाँ गलत होती चली गई, तब क्या हुआ, आपको उन्होंने फांसी पे लटका ही दिया, बोले मार दो उसको, ठीक है। या अच्छा हाथ से पीते हो सिगरेट, हाथ से दारू पीते हो, ठाकुर हम ठाकुर को क्या किए, गब्बर में हाथ ही काट लिए, ठीक है ना। तो ये क्या हुआ, फैटल इंजरी में क्या होता है, जब वर्कर की क्या हो, डिसेबिलिटी हो, यानी काम करने की क्षमता हमेशा के लिए चली जाए। जैसे कि मेरा, मैं इससे लिख रहा हूँ ना, मेरा ये हाथ कट जाए एक्सीडेंट में, तो क्या होगी, मेरी डिसेबिलिटी होगी। अब मेरा हाथ कभी इससे लिख पाएगा? नहीं लिख पाएगा। या मैं पैरों से चल रहा हूँ, मेरे पैर कट जाए, है ना, तो वो क्या होगी। लेकिन ये परमानेंटली होनी चाहिए, तो ये डिसेबिलिटी हो जाए। और भाई डेथ तो ऑलरेडी होल बॉडी की डिसेबिलिटी हो जाती है, मतलब इंसान की अगर मृत्यु हो जाए और डिसेबिलिटी हो जाए तो वो हमारा आता है फैटल इंजरी में आता है। क्या आता है? फैटल इंजरी में। अब हमारा एक आता है नेक्स्ट नियर मिस। क्या आता है? नियर मिस। नियर मिस क्या होता है? आपने देखा होगा कि कभी कभी इंसान गिरा तो बाइक से भले गिरा तो उसकी चोट नहीं लगी, लेकिन उसकी बाइक टूट गई या रोड खराब हो गया, लेकिन उसको कोई इंजरी नहीं हुई। यानी कोई क्या हो, अनप्लीजेंट इवेंट हो और अनएक्सपेक्टेडली क्या हो, हैपेंस हो, लेकिन वो इंजरी या डेथ ना देके सिर्फ क्या करे, डैमेज दे। यानी डैमेज का मतलब आपकी प्रॉपर्टी को डैमेज दे, आपकी मशीन को डैमेज दे, आपके किसी भी प्रोडक्शन को डैमेज दे, तो वो एक्सीडेंट क्या कहलाता है, नियर मिस एक्सीडेंट कहलाता है। अब एक क्वेश्चन आता है कि कौन कौन से एक्सीडेंट को इन्वेस्टिगेट करना चाहिए, कौन कौन से एक्सीडेंट को इन्वेस्टिगेट नहीं करना चाहिए। तो मेरा और हैरिस के एक थ्योरी के हिसाब से अगर हम बात करें तो ऑल टाइप ऑफ द एक्सीडेंट, यानी एक्सीडेंट के सभी प्रकार क्या होने चाहिए, इन्वेस्टिगेट होने चाहिए और एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन होना ही चाहिए। एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन में भी मैंने बताया है कि हमेशा क्या हो, गलतियां ना ढूंढी जाएं। गलतियां होने का कारण किसने की, ये नहीं भाई, अगर आप ढूंढने लगे ना कि गलती की किसने, तो वहां पे सबूत भी छुपा दिए जाते हैं।
वहां पे आप कुछ नहीं ढूंढ पाओगे। गलती क्यों हुई, यही चीजें क्या होती हैं, आपको उस एक्सीडेंट को दोबारा होने से रोकती हैं। यानी एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन अगर इंटरव्यू में पूछता है क्यों जरूरी, एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन क्यों किया जाता है, तो आपका होना चाहिए कि एक्सीडेंट जो रिपीट ना हो, एक्सीडेंट जो हुआ है वो भविष्य में अब कभी ना हो, उसके लिए हमें उसकी जड़ तक जाना होता है। फॉल्ट ट्री एनालिसिस के द्वारा जाते हैं, एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन के द्वारा जाते हैं, जिसकी मदद से भविष्य में होने वाले एक्सीडेंट को हम रोक सकते हैं। ये इंपॉर्टेंस होता है एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन का। तो अभी मैंने एक्सीडेंट बताया कैसे कहते हैं, एक्सीडेंट के प्रकार भी बताए, एक्सीडेंट कितने टाइम पीरियड बाद क्या कहलाता है, कितनी इंजरी के बाद क्या कहलाता है, और कौन कौन से टाइप के एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेट करना चाहिए और क्यों करना चाहिए। अगर इससे संबंधित भी आपके पास कोई समस्या है, कोई और टॉपिक है सेफ्टी का जो आपको समझ नहीं आ रहा हो, या आप उसको समझना चाहते हैं बेहतर तरीके से, तो कमेंट बॉक्स में उस टॉपिक के बारे में भी बताएं, और ये टॉपिक कैसा लगा या ये वीडियो कैसे लगी उसको भी कमेंट्स में लिखें। तो और चैनल को लाइक एंड शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फ्रेंड्स।